जाता है कि एक शख्स 185 बच्चों का बाप हो सकता है। इस बात पर शायद ही किसी को आसानी से यकीन हो, लेकिन ये सच है कि एक शख्स ने कुल 86 बीवियों से 185 बच्चे पैदा किए थे। जी हाँ, नाइजीरिया के मोहम्मद बेलू अबू बकर, एक मौलवी जिनकी मौत साल 2017 में 92 साल की उम्र में हुई थी। इन्होंने अपने जीवन में कुल 107 निकाह किए थे, जिनकी शादियां करने के बाद अबू बकर का कहना था कि वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से बच्चे पैदा करते थे। वैसे तो इस्लाम में एक शख्स को 4 बीवियां रखने की छूट है, लेकिन शर्त ये है कि वो सभी बीवियों का बराबरी से ख्याल रखे। वहीं अपनी 86 बीवियों के बारे में अबू बकर का कहना था कि कुरान में इसकी कोई सीमा नहीं है और ना ही ऐसा करने पर कोई सजा देने की बात कही थी। लोकल शरिया कोर्ट में 4 शादियों को गलत मतलब निकालने पर अबू को साल 2008 के आखिर में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने बकर को नवंबर 2008 में इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वो 86 में से 82 बीवियों को तलाक देंगे, लेकिन बकर ने कोर्ट का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। रिहा होने के बाद साल 2008 में ही अबू बकर ने कहा कि लोग 10 शादियों में ही मर जाते हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ने ताकत दी है जिसके कारण मैंने 86 औरतों से निकाह किया है। मैं कभी भी निकाह के लिए किसी भी औरत के पास नहीं गया, बल्कि वो ही मेरे पास आई। इस सारी बातों से केवल अल्लाह की मर्जी है। अबू की ज्यादातर बीवियां 22 साल से भी कम उम्र की हैं, कुछ तो उनके बच्चों से भी कम उम्र की थी। अंतिम समय में अबू बकर ने अपने सहायक से कहा कि उनका समय पूरा हो गया है। उन्होंने आखिरी समय में कहा कि खुदा से मिलने का समय आ गया है। मोहम्मद बेलो अबू बकर ने 86 के करीब महिलाओं से शादी की थी, जिनमें से 10 महिलाओं को उन्होंने तलाक दे दिया था या फिर उनकी मौत हो गई थी। अपने अंतिम समय तक वो 76 बीवियों के शौहर थे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।